नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और भर्ती आ गई है, कितने पदों पर भर्ती आई है ये आज के न्यूज़पेपर से स्पष्ट हो गया है कि सफाई भर्ती 13,184 पदों पर ये भर्ती होगी। 13,184 पदों की जो भर्ती होगी, यानी पिछली भर्ती को ही इन्होंने सेम टू सेम रख दिया है। उम्मीद थी कि पद बढ़ेंगे, मगर सरकार ने जो मांग थी वाल्मीकि समाज की और श्रमिक मजदूर संघ की, क्या मांग थी कि 25,000 पदों पर भर्ती निकाली जाए, मगर उन्होंने 12,000 पदों को रिजर्व रख लिया है और उसको थोड़े दिनों बाद में इस भर्ती को जारी करेंगे। अभी जो भर्ती निकाली गई है वो 13,184 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अभी हम जो बिंदुओं पर परिचर्चा करने वाले हैं, उससे पहले मैं दोस्तों आपको बोल दूं, आप वीडियो पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके साथ हम जो जुड़े हुए हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसका बेहतरीन मिसाल आपको देखने को मिल रही है। भर्ती कितने पदों पर होगी तो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, भर्ती 13,184 पदों पर ही होगी। मांग बड़ी थी मगर अब मांग के अनुसार न रहकर 12,000 पदों को रिजर्व रख दिया गया है। किस समाज को मिलेगी प्राथमिकता, तो यह पहले भी स्पष्ट था, अब भी स्पष्ट है, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिलेगी। फोरम कब से शुरू होंगे, तो बेटा 9 जून को नोटिफिकेशन आएगा। कब आएगा? 9 जून को नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन आने के बाद पता चल जाएगा कि फोरम की डेट क्या रहेगी, शायद 9 जून ही रहे या 15 जून रहे, जो भी होगा वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। आपकी सभी सवाल और जो आपके जो मुख्य बिंदु है उन पर मैं आगे चलकर परिचर्चा करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक जो आज के भास्कर की न्यूज कटिंग है इसको मैं दिखा देता हूं, इसमें कुछ मुख्य बिंदुओं की परिचर्चा भी की गई है, कुछ ऐसी बातों की परिचर्चा की गई है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आप सबसे पहले तो आप इसको ये देख रहे होंगे, सफाई कर्मियों के 13,184 पदों पर भर्ती 2 दिन में शुरू होगी। 2 ही दिन का मतलब यानी 9 तारीख से ही आपका काम प्रारंभ हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, अपने सीएम साहब थे इनके इंटरफेयर के बाद इस भर्ती को शुरू किया गया है और जो हड़ताल थी सफाई कर्मचारियों की, उस हड़ताल को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। सफाई कर्मियों की हड़ताल पहले दिन ही खत्म हो गई है, यानी 1 दिन हड़ताल चली, हड़ताल को समाप्त कर दिया गया। समझौते के मुताबिक पिछले माह स्वायत्त शासन विभाग ने 13,184, आपको पता होगा 21 अप्रैल को यह भर्ती आई थी। कब आई थी? 21 अप्रैल को आई थी और 25 अप्रैल को इस भर्ती को स्थगित कर दिया गया था और 28 अप्रैल को वाल्मीकि समाज और सरकार के मध्य समझौता हुआ था और उस समझौते में जो आरक्षण निर्धारित किया गया था कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता 50+ आरक्षण, इसके साथ SC ST 16% जोड़कर 66% कर दिया, 21% OBC और 1% MBC बाकी अन्य वर्गों के लिए, तो ये उसके अनुसार ही इस भर्ती को रखा गया है। ठीक है, भर्ती निकाली गई, वह भर्ती संशोधित रूप से 13,184 पदों पर 2 दिन में निकाली जाएगी, यानी आपको 9 जून तक इस भर्ती की पूरी अपडेट देखने को मिलेगी, फॉर्म चालू हो जाएंगे। इससे पहले DLB में 2 घंटे 50 सफाई प्रतिनिधि अड़े रहे। सफाई जो प्रतिनिधि थी वो चाह रहे थे कि 25,512 पदों पर भर्ती हो, 25,512 पदों पर भर्ती हो, मगर वहां जो महेश सिंह जोशी थे उन्होंने उनको संतुष्ट किया। क्या कहा? वार्ता विफल होने के बाद सीएम स्तर पर मध्यस्थता हुई, जलदाय मंत्री महेश जोशी, ये जलदाय मंत्री जो महेश जोशी है ना, ये मजदूर जो संघ है, इनका श्रमिक संघ है, इसके संरक्षक भी हैं, तो इनकी बात ये ज्यादा मानते हैं, इसलिए इनके इंटरफेयर से ये वार्ता शाम को पूरी हुई। मंत्री सीएम के हवाले से आश्वासन दिया कि फाइनेंस को भेजे 12,384 पदों की फाइल जल्द ही क्लियर करवाई जाएगी। अभी जो सीएम सामने जो पद सर्जन किए हैं वो 13,184 है, बाकी 12,384 जो पद हैं इन सीएम साहब जल्द ही, यानी इस भर्ती के समाप्त होते ही अगली भर्ती भी आपके लिए तैयार रहेगी, फाइल जल्दी क्लियर करवाई जाएगी। भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद सफाई श्रमिक संघ अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष कैलाश लोहरा, सुरेश कल्याणी आदि ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की कि अब हम इनकी बातों पर संतुष्ट हैं, हड़ताल को पूर्णतः समाप्त करते हैं। इस हड़ताल के बाद
जो यूएसडी मंत्री थे शांति धारीवाल ने भी कहा था कि सफाई कर्मियों को बड़े पैमाने पर भर्ती होगी, इसमें उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके परिवार से कोई भी सफाई कर्मचारी भर्ती में शामिल नहीं हो पाया था और अब की बार शामिल हो रहा है। मुख्य जो बिंदुओं पर जो बात बनी थी, ये मुख्य बिंदु तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे, आज आपने न्यूज़पेपर में भी देख लिया होगा, क्या है, परंपरागत सफाई से जुड़े वाल्मीकि समाज के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जो पुस्तैनी परंपरागत जो पुस्तैनी रूप से सफाई कर्मियों का काम कर रहे हैं, पुस्तैनी रूप से सफाई कर्मियों का काम कर रहे हैं उनकी एक तो रहेगी। अभी 13,184 पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट स्वीकृति पर 12,328, यहां देखो 84 दे रखा है, यहां 84 दे रखा है, यहां 28 दे रखा है, तो 12,328 पदों पर भर्ती फिर बाद में शुरू होगी, ये एक मंत्रणा होने के बाद में। गैर वाल्मीकि समाज, अब देखो जो पिछली भर्ती, ये 2018 की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है, 2018 में जो सफाई कर्मचारी लगे थे, लगभग 2000 सफाई कर्मचारी लगे थे, उन्होंने गैर वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी है वापस है, आपने जोधपुर वाली न्यूज देखी होगी, उसके बाद सारे सफाई कर्मचारी काम पर लौट गए हैं और जो गैर समाज के सब सफाई कर्मचारी वो संदेश दे रहे हैं कि हम काम करने के लिए तैयार है और काम करेंगे और उन्होंने सफाई व्यवस्था संभालते, उधर 2000 गैर वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों शहर में सफाई व्यवस्था को संभाला, इससे ज्यादातर इलाके बिल्कुल साफ सुथरे नजर आए और शहर के कई इलाकों में स्थानीय लोगों को कचरा जो पटकते हैं उसको रोकने का अभियान भी चालू किया गया, इससे सब लोग ज्यादा प्रसन्न भी रहे। तो ये आपका जो अपडेट मिली है, तो इसमें आपने जो मुख्य बिंदु देखे वो बिंदु आपने देखा होगा कि पदों की संख्या 13,184 ही रहेगी, ठीक है, 12,000 कितने बेटा, 12,384 पद हैं, 384 पद बाद में निकाले जाएंगे, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी, वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, गैर वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं उन्हें यह संदेश दिया गया है कि वो काम करे तो ही फोरम में बढ़े। इसमें थोड़ा सा जो आपको असमंजस में था, इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, जिन लोगों को ट्रेड टेस्ट का अनुभव बहुत ज्यादा कम है, जो दूसरे चीजों से इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, उन लोगों के लिए ये हमने एक बहुत ही, वैसे हमने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं और बच्चे संतुष्ट भी रहे हैं, मगर हमने जो एक नई पहल चालू की, अब देखो दुनिया चाहे कुछ भी कहे सोना सोना ही रहेगा, सीधी सी बात है, राजस्थान नगर पालिका भर्ती की बात कर रहा हूं और 2023 की बात कर रहा हूं, 2023 की बात कर रहा हूं, इस भर्ती की एक विशेषता है, इसमें आपसे ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा भाई, ट्रेड टेस्ट होगा आपका, इसके इंटरव्यू होगा आपका और दस्तावेज चेकिंग भी होगी, क्या होगी, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट, इन तीनों की तैयारी हम करवा रहे हैं, तीन दिन की कार्यशाला हमने रखी है। इस कार्यशाला में हमने क्या किया है, जो पिछली भर्ती में अनुभवी डॉक्यूमेंट चेकर थे उनसे बात की है, उनको बुलाकर हमने डॉक्यूमेंट चेक करवाए हैं, इसके साथ साथ इसमें हम आपको रहना भी देंगे, यानी 3 दिन तक बच्चा हमारे पास रहेगा, खाना भी उसमें इंक्लूड रहेगा, उसे बाहर खाने की आवश्यकता नहीं है, और ट्रेनिंग में हम ट्रेड टेस्ट करवाएंगे, इंटरव्यू करवाएंगे और दस्तावेज जांच करवाएंगे, ये तीनों चीज 3 दिन की एक प्रक्रिया रहेगी। अपनी सीट बुक करवाने के लिए जो 2 नंबर दिए गए हैं इनमें से किसी भी नंबर पर आप हो सके तो ऊपर वाले नंबर पर ही कॉल करें और मैसेज करें और यहीं से बात करके आप काम कंप्लीट कर लें। फीस मात्र 3,000 रुपए रखी गई है, मगर आपकी बार हमने ये कर दिया कि कोई डायरेक्ट आकर हमारे पास एडमिशन नहीं ले सकता, क्योंकि व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं होती है, इसके लिए क्या है, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पहले आपका क्या है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो ₹500 आपको जमा करवाकर आपकी सीट बुक करवानी पड़ेगी, क्या करवानी पड़ेगी, सीट बुक करवानी पड़ेगी, उसके बाद आपको जो टाइम दिया जाता है, क्या दिया जाता है, टाइम, उस टाइम पर आप आकर अपना ट्रेड टेस्ट कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, बाकी पीस आप जब आओ ना तभी जमा करवा देना है, मगर आप अपने सीट बुक करवा लेना, जिससे हमें यह पता रहता है कि यह बंदा आ रहा है उस तारीख को आ रहा है, तो सारी व्यवस्थाएं हमारे पास पहले से एग्जिट रहे। डॉक्यूमेंट से क्या क्या लाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, उनकी फोटोकॉपी लेके आनी है, उन डॉक्यूमेंट से क्या लेके आनी है, फोटोकॉपी लेके आनी है, फोटोकॉपी में देखो आपको कम से कम 3 तो फोटो लेके आनी है हमारे पास, इसके साथ साथ आपका आधार कार्ड लेके आना है, आपका जन आधार कार्ड भी लेके आना है, आपकी मार्कशीट है तो मार्कशीट लेके आनी है, अन्यथा जन्म प्रमाण पत्र लेके आना है, मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको लाना है, जाति प्रमाण पत्र भी लाना है, आपका अनुभव प्रमाण पत्र किसका बना हुआ है,
वो अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको लाना है, विवाहित प्रमाण पत्र भी आपको लाना है, जो आपका विवाहित प्रमाण पत्र है वो विवाहित प्रमाण पत्र आपको लाना है। इसके साथ साथ आपको बच्चों, अगर आपके बच्चे हैं तो इन बच्चों का क्या है, जन्म प्रमाण पत्र भी आपको लेके आना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र पिताजी का होना चाहिए तो ये आय प्रमाण पत्र भी लाना चाहिए। अगर आपका जन आधार कार्ड अलग से है तो आपका भी चल सकता है। और दो चरित्र प्रमाण पत्र लेके आना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब ट्रेड टेस्ट के लिए आप हमारे पास आओगे तो लेके आओगे, इनके दो सेट लेके आओगे, फोटोकॉपी के कितने सेट है, दो सेट। फोटोकॉपी के कितने सेट लेके आओगे, दो सेट आप लेकर आओगे। ये आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, क्योंकि हमने जो ट्रेड टेस्ट चालू कर रखा है उसमें कुछ बच्चे ना अपने आधे डॉक्यूमेंट्स ही लेके आते हैं, फिर बाद में उनके डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करते रहते हैं तो चेक होते हैं, नहीं होते हैं, हम आगे कम भेज पाते हैं, कई प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर आए, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ये 11, ये 11 डॉक्यूमेंट्स तो आपको हमारे पास लेकर आने ही आने हैं। जरूर अनुभव प्रमाण पत्र 100% लेके आना है, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ के आना है। जन आधार कार्ड 100% लेके आना है, और एक मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र लेके आना है, और एक मूल कहां गया भाई, मूल। ये तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको तो भूलने की गलती भी ना करें। कोई फोन में नहीं लेके आए, फोटोकॉपी निकलवा के लाए कि हम इन्हें अच्छे से चेक कर सकें, अच्छे से इनकी जांच करवा सकें। तो और फिजिकल के लिए हमने आपको बता ही दिया कि कैसे कैसे आपको आना है, तो आप सारे के सारे बच्चे तैयार रहे हैं। और हमारा ट्रेड टेस्ट के जो नए बैच हैं, बैचों की देखो क्या है, बैच कैसे कैसे चालू हो रहे हैं मैं बता देता हूं। पहला बैच बेटा 8 तारीख को चालू हो रहा है, 8 से 11 तीन दिन का रहेगा। फिर दूसरा जो बैच चालू है 11 से 14 का रहेगा। फिर अगला बैच 15 से रहेगा, 15 से 18 का रहेगा। फिर अगला बैच है वो 18 से 21 का रहेगा। फिर वो 21 से 24 का रहेगा। ऐसे अलग अलग टुकड़ों में हम क्या है, तीन तीन दिन रखेंगे, क्योंकि आप जो अब रजिस्ट्रेशन कोई 8 तारीख को रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, कोई 9 तारीख को रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, तो इन चीजों को आप एक समूह में, और एक समूह में सदस्य संख्या हम निश्चित करके चलते हैं कि सुबह ट्रेड टेस्ट करवाने जाए तो कोई दिक्कत नहीं आए। तो जो बच्चे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाए और अपनी सीट बुक करिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो कैसी है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जय हिंद जय भारत, अब लग जाइए, अब समय नहीं बचा है।